अच्छा लता जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप आवाज़ के लिए कुछ कीजिए, जो भी हर बार करते होंगे। नमो नमः अरुण जी। अंशु महोदय, नमो नमः। नमो नमः अरुण जी। भाई अच्छा लता अभी जी भी वो दिख रही न्यूज़ हैं। देख रहा था। कौन सा? कौन कौन आया? आ गए चारुलता जी भी आ गए। चारुलता हाँ, महोदय, नमो नमः। पर उनका माइक कुछ ट्रबल है। ये वो हर बार होता है। उनका पहले वीडियो कैमरा दिखता रहता है, पर आवाज नहीं ओके आती। हाँ, ओके ओके तो वो ऑन दिख तो रही है ऑनलाइन, पर शायद उनका जो माइक है, ऑडियो अभी कनेक्टेड नहीं है। तो ना उनको हमारी आवाज आ रही होगी, ना हमको उनकी आ रही है। पता नहीं कैसे ठीक करेंगे। नॉर्मली उनके आसपास कोई बच्चा होता है तो वो उनको करके दे देते हैं उनके घर में, हाँ, बट कभी कभी वो अकेली होती माइक हैं। ऑन नहीं है। वही मोदी का स्पीच देख रहा था कौन सा वाला? क्या अभी तक। है उसमें? मोदी मोदी सो बंगाल गए हैं ना उधर, ओ दैट वन। ओके, वही देख रहा था अब तक महोदय। बंगाल में तो योगी जी ने भी मजा दिला दिया। वो सुना, देखा हाँ, वो? वही, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में जाके तो आया खतरनाक था, अभी। बहुत बढ़िया था। हाँ, उसको एक बार फिर अगर से देखना मोदी पड़ेगा। का रिटायर होने के बाद योगी आ गया तो हाँ तब ये तो और मजा आएगा। ट्रेलर वो पिक्चर दिखा देगा सबको। वही एक्सट्रीमिस्ट जो जहां मिले उनको सीधे भगाना है, मारना है या भगाना है। एक्सट्रीमिस्ट को अभी रहने नहीं देना कहीं पे भी। जर्मनी में भी तो एक लॉ नया वाला लाया है ना एक्सट्रीमिस्ट को रोकने के लिए। अच्छा, रात बहुत देर हो गया था, वही भगवत गीता का थोड़ा था ना क्लास भी हाँ था, हाँ वही इंटरप्रिटेशन, मतलब अब तक कितना हो गया चैप्टर्स उसका मीनिंग बोल रहे थे। आज भी है, थोड़ा देर हो गया था। तो वो वीकेंड क्लास है ना? हाँ महोदय, वीकेंड में उसका मीनिंग बोलते हैं। ओके, टेल मी व्हेन यू सी माय स्क्रीन। हाँ ओके मैम, ओके मैम। हाँ अरे चारू लता दिख रहा जी है, भी दिख रहा दिखने लगी। अच्छा, है। चारू लता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी। हाँ दिखता नहीं महोदय। हाँ, अभी कनेक्टिंग टू ऑडियो। देखो, एक बच्चा आया ना, वो उसने कनेक्ट करके दिया। हाँ बच्चा सिखा। हाँ बच्चे, चालू हो गया। नमो हाँ अभी नमः चालू अरुण हो गया। कुमार नमो जी। नमो नमः महोदय नमः महोदया। चारुलता जी। आप वो जो जो भी बच्चे आए हैं उनसे सीख लीजिए ना माइक कैसे चालू करना है। चारुलता जी, आप हर बार ही नहीं बैठी बहुत रहती हैं बड़े मुझे। बच्चे हैं, मैं सीखी हूँ लेकिन मेरे को आता नहीं जो होता है, तो यही मेरे में तो बाकी सब कुछ आता है, वही, सिर्फ एक ही मैं सीख बटन तो लूंगी। दबाना होता होगा कहीं पे। सिर्फ एक बटन है, कहीं वो हाँ दस दस 15 जगह नहीं है। वो एक बटन बस समझ लीजिए कि इससे बच्चे से तो आपका जीवन आसान हो, और भी आसान हो जाएगा।
बच्चे को बहुत आदत है सब कुछ, उसका ब्रेन बहुत अच्छा है, सेकंड स्टैंडर्ड में, लेकिन उसने चालू कर दिया। हाँ वो ठीक है, आप सीख लीजिए तो आप भी फिर आराम से कर पाएंगी। और कोई स्टूडेंट नहीं है? अभी हाँ अरुण मैं जी एक हूँ हैं। महोदय। हाँ नमो नमः। नमो नमः। आपको आवाज आ रही है ना चारुलता जी? हाँ आती है, आती है, ठीक है, आती है आवाज। हाँ चलिए तो हम अभी सबसे पहले तो ओम का उच्चारण कर लेंगे। आपको मेरा फुल स्क्रीन हो गया अभी दिख रहा है अरुण जी? हाँ जी, हाँ महोदय, दिख रहा है, दिख रहा ठीक है। है। प्रेजेंटेशन, ये क्या प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना? हाँ हाँ महोदय, इसका अस्तु। तो सर्वप्रथम ओम उच्चारण करोमि, ओंकार करोमि। चक्षु चक्षु पिघेहि, अभी आंखें खोल सकते हैं। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मम नाम अंशु, भवतः नाम किम अरुण महोदय? आप ही बोल दिया हमारे। मम नाम अरुण, अरुण कुमार। भवत्याः नाम किम महोदया? हेलो, चारुलता जी को सुनाई आया कि नहीं? मम नाम चारुलता। अस्तु अस्तु। उत्तमम उत्तमम। एतत् इष्टिका अरुण महोदय, एतत् इष्टिका हरितवर्णम वा? तत् इष्टिका, ना ना अस्ति, न हरितवर्णम अस्ति, न हाँ हरितवर्णम अस्ति। न हरितवर्णम अस्ति। तमाम। थोड़ा सेंटेंस। चारुलता महोदया, हाँ जी, एतत् आम्रम पीतवर्णम वा? अस्ति, अस्तु, एतत् आम्र पीतवर्णम्। अस्तु अस्तु। अस्तु।
नहीं अस्तु तो मैं बोल रहा हूँ, अस्तु मतलब ठीक है अच्छा है, हाँ और अस्थि मतलब है होता है, तो अस्तु और अस्थि में अंतर है। और अस्तु का मतलब हो भी होता है, हो, जैसे हम बोलते हैं तथास्तु, आपने सुना होगा तथास्तु, हाँ तो तथास्तु मतलब तथा मतलब वैसा ही, ऐसा वैसा ही हो। स्वाहा और इसी प्रकार यथा आपने कहीं पे देखा, तो यथा का अर्थ है या श्लोकास में थोड़ा सुना हूँ मैं, जैसा। यथावन तद्भवते, हाँ, तो यथा यथा तथा यथा रूपम तथा वाणी, जैसा रूप वैसी वाणी। यथा तो यथा मतलब जैसा, तथा मतलब वैसा, वैसा जैसा वैसा। तो जैसा हम बोलते ना जिस प्रकार, तो ये वही है जैसा। प्रकार है उस प्रकार ऐसा होगा, हाँ, तो उस प्रकार वैसा जो है उस प्रकार, और तो ऐसा तथा होगा। है, और यथा इज जिस प्रकार। तथा ठीक है, जिस चलिए। तो एक शीघ्र प्रहेली का, अद्य रविवासर, श्वः किं किसको दिनम्? मैं मुझे पूछ रहे महोदय? हाँ, अरुण महोदय, अद्य शनिवासर, श्वः किं दिनम्? श्वः सोमवासरः उत्तमम्, सोमवासर अस्ति वा। अस्ति अस्तु अस्ति आम अस्ति आम, आम यदि आपको आम हाँ बोलना है तो आम, अस्तु मतलब ठीक आम। है, तो जब आपको ठीक है ये बोलना है या अस्ति ओके मतलब ओके ओके ठीक ओके जब बोलना है तब अस्तु अस्तु होता है। आम ठीक है, आम। चलिए प्रश्न 25 पूछिए। भवत्याः महोदय भवत्याः अद्य शनिवासरः, ह्यः किं वासरः? चारुलता महोदय जी, हाँ, कब? अद्य रविवासरः, ह्यः किं वासरः? शनिवार वाह, अद्य उत्तमम्, अस्तु उत्तमम् रविवासर उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु। अद्य रविवासरः, परह्यः किं दिनम्? अरुण महोदय, परह्यः शुक्रवासरः शुक्रवासरः, अस्तु अस्तु। अस्ति प्रश्न पृच्छतु। भवत्याः अद्य बुधवासरः, श्वः किं दिन किं वासरः? चारुलता महोदय, रिपीट अद्य शुक्रवासरः, श्वः किं वासरः? श्वः शनिवासरः। उत्तमम् 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 उत्तमम्। उत्तमम् तो अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अग्रे गच्छामि। जोर से बोलिए, ये आवाज बहुत कम है, बड़ी बड़ी कीजिए, वॉइस वॉल्यूम अच्छा, बड़ा पर करो। वॉल्यूम मेरा तो मैक्सिमम है। अरुण जी, मेरा आपको ठीक से आ मैक्सिमम रही है क्या मेरी आवाज?
अच्छा अच्छे से आ रहे हैं मॉडल। अच्छे आ रहे हैं ना। ओके, तो चारुलता जी आप शायद स्पीकर पे हैं इसलिए आपको कम आ रही है, क्योंकि अरुण जी को तो ठीक से आ रही है आवाज। आप वो लगाती हैं क्या कभी वो जो ईयरफोन कान में लगा के फोन से कनेक्ट करके? अभी मैंने बड़ा किया, थोड़ा कम था। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी आ रही है ना? अब आ रहे हैं ना महोदय। हाँ अभी आता है। तो अभी हम वयम वर्णमाला करामः। तो अ आ ई ई आम भवति इदानीं ई ई से ईशः। ईशः कुत्र अस्ति अरुण महोदय? ईशः सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र अस्ति। हाँ, ईशः सर्वत्र अस्ति वा? आम महोदय। तदा देवाले कः अस्ति? देवालयं देवालये देवालये अस्ति, ईश्वर अस्ति, देवालये ईश्वर अस्ति। देवालये कः अस्ति? देवालये ईश्वर अस्ति, ईश्वर देवालय अस्ति। ओके अस्तु महोदय। वृक्षे कः अस्ति? देवालये ईश्वर अस्ति। वृक्षे कः अस्ति महोदय? वृक्षे कः अस्ति? वृक्षे वृक्षे कः अस्ति? वृक्षे कः अस्ति? वृक्षे वृन्नाः अस्ति वृक्षे वृन्दावन अस्ति उद्यानवन उद्यानवन वृक्षे उद्यानवन कथम? वृक्ष में उद्यान कैसे हो सकता है? वृक्षे फल अस्ति। आप बोलना क्या चाहते थे पहले बताइए? आप सोच बोलना चाहते थे कि उद्यान में वृक्ष होता है। ओके ओके, तो आप बोलते हैं कि उद्याने वृक्ष अस्ति, वो उद्यान में वृक्ष होता है, वो ठीक है। लेकिन वृक्षे कः अस्ति, तो मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देवालय कः अस्ति, ईश्वर अस्ति। वृक्षे कः अस्ति, ईश्वर अस्ति। आकाशे कः अस्ति, ईश्वर अस्ति। ईश्वर अस्ति। जले कः अस्ति, ईश्वर। या फिर आप वो प्राणियों के नाम ले सकते हैं कि जले मीनाह मीनह अस्ति, तो मीन जो है मछली होती है। या फिर वृक्षे खगाह अस्ति, तो खगाह जो है खगह मतलब पक्षी, तो खगह भी होता है। फला अस्ति, फलम अस्ति, फलम भी चलेगा। आओ वृक्षे विहगह अस्ति, फलम अस्ति। वृक्षे पर्णम अस्ति, वृक्षे पर्णम अस्ति। पर्णम मतलब वृक्ष के पत्ते। ओके ओके, वृक्षे पुष्पम अस्ति, देवालये यूज्ड वल्ली वल्ली तो ईशा का लिख लिया आपने अपने कागज में? लिख रहा महोदय। चारुलता जी आपने आप भी लिख रही हैं कहीं पे? नहीं नहीं मैं देखती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ। अच्छा। मैं मगज में लिखती हूँ, मेरे ब्रेन में। पर फिर भी कागज पेन यदि रखेंगे तो आपको तो और भी मजा आएगा, क्योंकि उससे अभ्यास हो जाता है ना थोड़ा सा। आप ये भेजते हैं ना रिकॉर्डिंग, वही मैं देख लेती।
अच्छा अरे चश्मे नए बने हैं प्रोग्रेसिव, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। वो कल ही आए हैं, बोले 10 दिन के बाद दिखाई पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव मतलब वो एक ही चश्मे में वो अलग अलग पावर रहती है। हाँ सब कुछ होता है, हाँ रात दिन आगे पीछे सब कुछ। हाँ वो थोड़ा महंगा है, लेकिन उसको पहनने के बाद 8-10 दिन में वो एडजस्ट होता है। हमारी आंख उसको एडजस्ट होती है, चश्मा नहीं, आंख को एडजस्ट करना पड़ता आँखों है को एडजस्ट प्रोग्रेसिव। करना पड़ता है। हाँ। तो यदि आप उसमें नीचे देखेंगे तो वो पढ़ने के लिए है, और सामने सीधा देखेंगे तो वो दूर का देखने के लिए, ऐसा होगा है ना। महोदय। उष्ट्रः नृत्यति वा? उष्ट्रः नृत्यते वा, नृत्यति वा, आम महोदय। उत्तमम्। उष्ट्रः नृत्यति मीन्स नृत्यति। इज इट डांस? हाँ डांस मतलब उसके हिसाब से डांस क्या? ना महोदय, डांस नहीं करता, वो अस्तु दौड़ता है। अस्तु अस्तु। भवतः प्रश्न। भवत्याः हाँ जी आम महोदय, आप कुछ भी उष्ट्रः पूछ सकते हैं। आप यदि उष्ट्रा ईशा से जुड़ा हुआ नहीं पूछना चाहते हैं, आप चारुलता जी से वो दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भवती कुत्र वसती, ओके भवती किं करोती। तो जो भी अभी तक ओके सीखे हैं हमने प्रश्नोत्तर, आप कुछ भी पूछ कर सकते महोदय। हैं। हाँ, फिर देखेंगे, उनको भी याद आ जाएगा उसे। बहुत ही किम करोती चारुलता महोदय, भवती किं करोति? अहम् संस्कृतं पठामि। उत्तमम्। उत्तमम् उत्तमम्। आम महोदय। संस्कृतं कदा कदा पठति भवती? शनिवारस्य रविवारस्य पठामि। हाँ, तो आपको प्रश्न तो सही समझ में आया, लेकिन आपको बोलना है शनिवार और रविवार को, या शनिवार और रविवार पर, या में। तो शनिवारे शनिवासरे रविवासरे, या फिर शनिवासरम रविवासरम। जब आप शनिवारस्य रविवारस्य बोलेंगी तो अस्य जब लगाया तो उसका मतलब है शनिवार का या रविवार का। तो का तो आप नहीं बोलना चाहती है ना। हाँ जी, शनिवासरे रविवासरे अहम संस्कृतं पठामि। उत्तम। प्रश्न पृच्छतु चारुलता महोदया। अरुण कुमार जी का दर्शन करा ना थोड़ा। अरुण जी दर्शन कराइए। मेरा कैमरा थोड़ा क्लैरिटी कम इसलिए। चलेगा। महोदय, महोदय प्रश्नम पश्यति। जोर से बोलिए, थोड़ा वॉल्यूम में। प्रश्नम प्रश्नम मैं पूछू? पश्यति। अच्छा, हाँ, पूछ लो। हम पृच्छामि गौ चक्राहा। माता का। अच्छा, चारुलता जी क्या को आ गया प्रश्न। नहीं, आपको आ गया, मुझे लगा आप शायद थोड़ा समय ले रही हैं सोचने के लिए, तो मैंने सोचा मैं पूछ लेता हूँ। हाँ बोलिए हाँ बोलिए, आप बोलिए।
गौ माता नहीं आता है, गाय का प्रश्न पूछना है मेरे को। हाँ बोलिए आप। गाय नंदिनी, गाय नंदिनी गाय किसकी किसकी थी, कौन दूसरी की थी, इसे पूछना है मेरे को। बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है मेरा। नंदिनी गा गौ माता कौन से ऋषि की थी वो पूछना है। अच्छा तो नंदिनी गौ माता नंदिनी कह ऋषि। हाँ तो अब ऋषि के लिए विभक्ति अलग चलती है, तो अब विभक्ति हमने अभी सीखी नहीं है, इसलिए मैं आपको एक मिनट में बता जरूर देता हूँ कि वहां पे शब्द क्या लगेगा, क्योंकि किस ऋषि की, तो हमको षष्ठी का उपयोग करना है, और षष्ठी के लिए ऋषि के लिए षष्ठी जो है उसको एक मिनट में मैं आपको बताता हूँ। ऋषि ऋषि नाम आएगा शायद, ऋष्याहा ऋष्याहा। तो नंदिनी किम ऋष्यस्य नंदिनी गौ माता या फिर नंदिनी धेनु, धेनु भी कह सकते हैं, धेनु। आप लिखते हैं क्या कहीं वो स्क्रीन पे? आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अरुण जी आपको दिख रहा है ना? हाँ हाँ महोदय, नंदिनी गौ माता, गौ माता के बीच का। हाँ हाँ देखा देखा, नंदिनी गौ माता अब थी बोलना है, अब थोड़ा ये कट जटिल हो रहा है, क्योंकि आप पुराना पूछ रही हैं, तो आसान होगा कि हम यदि वर्तमान काल में बात करें तो, क्योंकि भूतकाल के लिए अभी हमने सीखा नहीं है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नई चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा नई चीजें होने पे याद होना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो वर्तमान काल लिखो, आसीत। हाँ तो आसीत तो भूतकाल है, कि कौन से ऋषि की थी, या फिर आप ये बोल सकते हैं, हम वर्तमान काल यदि बोलना चाहें तो नंदिनी गौ माता कह ऋषि समीपे अस्ति, तो कौन से ऋषि के पास हैं, तो अभी का हम सोच के बोल रहे हैं समीपे अस्ति। हाँ तो ऐसे में ऋषि की विभक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने विभक्ति यहाँ समीपे में लगा दी, और समीपे के जो विभक्तियां हैं वो ज्यादा सरल हैं, क्योंकि ये अकारांत है, अकारांत की विभक्तियां सबसे ज्यादा चलन में होती हैं, इसलिए आसानी से सरलता से याद हो जाती हैं। ठीक है चलिए, समीपे अस्ति। और यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ये तो प्रश्न हो गया कि नंदिनी गौ माता कह ऋषि समीपे अस्ति, या फिर कामधेनु गौ माता कह ऋषि समीपे अस्ति, पता है तो आप नाम ले लीजिए, नहीं पता तो आप बोल सकते हैं ज्ञातम न, ज्ञातम न। ठीक है, मतलब आई डोंट नो, मेरे को चला जवाब मालूम है आंसर, तो क्या बोलने का हम जाना भी। हाँ तो आप हम जाना भी बोलेंगे कि मुझे मालूम है नंदिनी गौ माता वशिष्ठ ऋषि हम जाना भी। हम जानामी जानामी
जानामि, तो दोनों में से एक का उपयोग कर सकते हैं ज्ञातम न, मतलब मुझे नहीं मालूम। अरे वो जानामि है ना, वो ना का महास्वर है अल्पस्वर। कौन सा म या न? वो जानामा लिखा है ना आपका, थोड़ा स्क्रीन वही है ना, वो उसका पीछे है, दिख नहीं रहा इसलिए। ओ आपको कुछ कम दिख रहा है क्या? रुको हाँ, राइट साइड वो यहाँ से लिख देता हूँ। अहम जानामि, अभी दिखा? हाँ महान, लिखा लिखा। तो ज्ञातम न मतलब मुझे नहीं मालूम, या फिर अहम जानामि मतलब मुझे मालूम, अहम जानामि, और न जानामि भी बोल सकते हैं, न जानामि भी बोल सकते हैं, वो भी उसी उसका भी वही मतलब है जो हम ज्ञातम न का अर्थ है वही न जानामि का है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो अब आपको आम उपयोग की खूब सारी छोटी छोटी चीजें समझ में आ रही है अरुण जी और पुष्प चारुलता जी, जो आप किसी के भी साथ उसमें वार्तालाप कर सकते हैं, आपके घर में, आपके मित्रों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, किसी के भी साथ, कोई भी कुछ पूछे तो बोलो हम जानामि या फिर हम ना जानामि, ये यतम ना या फिर ज्ञातम ना। यतम ना और ज्ञातम वा, यदि मैंने ऐसे पूछा कि ज्ञातम वा तो इसका क्या अर्थ होगा? मालूम है ज्ञातम गोत्ता, डू यू नो गोत्ता, करेक्ट। डू यू नो या फिर समझा, जैसे हम कुछ समझाते हैं ना, हम कुछ एक्सप्लेन करते हैं किसी को और फिर पूछते हैं ज्ञातम वा मतलब समझा क्या या फिर मालूम है क्या, तो मालूम है क्या, ये वही एक्सप्रेशन है ज्ञातम वा, समझा या मालूम है क्या। ठीक है, तो वा जो है आपको वा का उपयोग समझ में आ रहा है, किसी भी शब्द के या वाक्य के आगे अंत में वा लगा दीजिए तो वो प्रश्न हो जाता है। एषा ऊर्णा किम वर्णम अस्ति चारुलता महोदय? क्या क्या? एषा ऊर्णा किम वर्णम अस्ति? ऊर्णा, हाँ, इसको मल्टी कलर को क्या बोलते हैं? जो रंग दिख रहा है आपको, विविध, हाँ विविध रंग भी बोल सकते हैं, विविध वर्णम, विविध वर्णम रंग नहीं होगा, वर्ण विविध वर्णम अस्ति, हाँ वो भी चलेगा, या फिर आपको यदि रंग के नाम मालूम है तो आप बोल सकती हैं। अरुण जी आप इसका उत्तर देना चाहेंगे कुछ फिर से एक और बार? ऐसा रक्तवर्णम अस्ति, रक्तवर्णम, रक्तवर्णम, रक्तवर्णम एंड आल्सो ब्लू वाला है ना, हाँ नीलवर्णम, नीलवर्णम, हाँ तो रक्तवर्णम नीलवर्णम नीलवर्णम अस्ति। ऊर्णा किम उपयोगः? क्लोथ्स को क्या बोलते हैं महोदय? क्लोथ्स, क्लोथ्स का वस्त्रम है ना, वस्त्रम, वस्त्रम, ऊपर के वस्त्र के लिए उपवस्त्रम भी कहते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ? उपवस्त्र,
शीत ऋतु उपयोग अस्ति. शीत ऋतु मीन्स और टेलरिंग बनाने का. नहीं, शीत ऋतु मतलब विंटर, ठंड का मौसम. ओके ओके ओके. उपवस्त्रम शीत ऋतु उपयोग अस्ति. एक महोदय लिख लेता. और स्वेटर के लिए भी एक शब्द है, स्वेद कह. क्या सब स्वेद कह आप लिखिए ना. हाँ लिख दिया. लिखा ना मैंने तो स्क्रीन पे. लिखा बाद में. लिखा कहाँ? लिखा है ऊर्ना के बाजू में. आपको शायद स्क्रीन दिख नहीं रहा है चारुलता जी. नहीं दिखती है लेकिन मैंने उसको एनलार्ज किया है. स्वेद कहा. तो देखिए सर्वेषां नमो नमः. सर्वेषां नमो नमः. नमो नमः. चारुलता महोदय मम वाणी शृणोति वा? हाँ हाँ जी. आम आम आम. तो अरुण जी लिखती वा? हाँ महोदय. हाँ महोदय. लेखनम भवति? लेखनम आगतः? हाँ महोदय. आगतः मतलब हो गया. आ गया हो गया हो गया. ओके. ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं. ये वाला श्लोक आपको याद हो गया? हाँ जी. चलिए एक बार बोल के बताइए. अयम नीचम प्रवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम. मैंने अभी स्क्रीन वाइट कर दिया है. अभी फिर से एक बार बोलिए. क्या आवाज होती है बीच में? अक्टुलेस महोदय आपको आवाज आ रही है? आ रहे हैं. तो म्यूजिक पता है क्या? शादी का टाइम है. म्यूजिक पता है? शादी नहीं, शायद टीवी चल रहा है मुझे लगता है. किसका चलता है? हमारा तो बंद है. तो अरुण जी बता सकते हैं. महोदय
क्या हो गया? कोई टीवी भी चल रहा है क्या वहाँ क्या? आसपास? साउंड आ रहा है क्या? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे टीवी चल रहा है, मूवी चल रही है या रेडियो चल रहा है समथिंग। हाँ चल रहा है, ज्यादा हो गया और मुझे पता नहीं था। क्षमा समाधे नाने साउंड लगी चला नया साउंड साउंड नहीं, पर ठीक है, इतना कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हाँ ओके महोदय, आप ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, चलो हाँ महोदय, बहुधा हाँ जी, चारुलता महोदय, ओके। एणः कुत्र वसति? क्या एणः क्या है? एणः अत्र अस्ति, कहाँ लिखा है? मम जवनिकायाम एणः अस्ति, प्रथम शब्द, प्रथम पद एणः। एणः मतलब हाँ हाँ कुत्र वसति? अरण्ये वसति। उत्तमम्, अरण्ये वसति। अरण्ये वसति, उत्तमम्। एणः किं खादति अरुण महोदय? एणः शाकाहारम् अस्ति, शाकाहारम् ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं तो शाकाहार, देखो शाकाहार जो है या शाकाहारी, हाँ शाकाहारी हिंदी में बोलते हैं, और शाकाहारी शायद संस्कृत में भी चलेगा। एक मिनट मैं शब्द को इसमें चेक करता हूँ। एणः ग्रासः खादति। हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ शाकाहारी, वेजिटेरियन, हाँ करेक्ट, शाकाहारी। सो एणः किम खादति, मैं पूछ रहा हूँ यदि, तो आप किम एणः शाकाहार अस्ति ऐसा बोल तो सकते हैं क्या? शाकाहारी अस्ति बोल सकते हैं, पर किम खादति का उत्तर सीधा सीधा नहीं होगा वो, सीधा नहीं, राइट? हाँ नहीं, मैंने पूछा कि क्या ओ खाता है, आप बोले कि हाँ शाकाहारी ग्रासः अस्ति, खादति, तो आप सीधे ग्रासः। शाकाह भी बोल सकते हैं, शाकाह खादति, अथवा तृणः खादति, जो तृण जो है घास के लिए हम उपयोग करते हैं, खादति जो घास बोल रही है ना चारुलता जी, तो खादति अब घास जो है हिंदी में होता है और तृणः संस्कृत में कहते हैं उसी को नहीं, घास। ग्रास भी होता है, ग्रास है, गौ ग्रास नहीं बोलते हम शाद में, ग्रास मतलब ये घास अच्छा वो ग्रास नहीं। अलग है, वो ग्रास तो और होता है जो हम निवाला खाते हैं ना मुंह में, हाँ निवाला हाँ ग्रास, वो हाँ ग्रास है वो ग्रास। तो तृणम बराबर है, तृणम तृणम खादति, तृणम खादति, किम तो खादति, तूनम खादति, शाकः, तृणः, तृणम, खादति फलम भी बोल सकते हैं, यदि फल खाता होगा तो फलम भी चलेगा, शाकम, तृणम, फलम। फलम, मस्तिष्कम, वो क्या होता है महोदय? मस्तिष्क, मस्तिष्कम, मस्तिष्क मस्तिष्क, मीनिंग ब्रेन, ओके, मस्तिष्कम, ग्रीन ग्रेन नहीं ब्रेन। ब्रेन, ओके, मगज ब्रेन खाता है मगज क्या? ब्रेन। नहीं, ब्रेन कैसा खाता है महोदय? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा था, शाकम खादति, तृणम खादति, फलम खादति, मस्तिष्कम खादति, तो मसी कम खादती, वाह, न नो खादति। खादती, नो खादती, वही बात, मैंने ग्रेन समझे, ग्रेन्स। हाँ वो है अन्नम, आप ब्रेन दिखने का बात बता रहे। अन्नम जो है वो ग्रेन है।
ओके अन्नम तो अन्नम खादती, उसको रोटी देंगे तो वो खाएगा, तो वो अन्नम मामारे। हाँ बहुत जीवी मस्तिष्कम खादती कह मस्तिष्कम खादती राहुल गांधी पप्पू मस्तिष्कम खादती खादती दीदी मस्तिष्कम खादती खादती एंटोनियो मैंने हो अभी खादती मस्तिष्कम खादती। हाँ हाँ मोदे इसीलिए बहुत लोग भारत के लोग ब्रेन नहीं है थोड़ा लोग वो फॉलो करते हैं क्योंकि उनका मस्तिष्क तो उन्हें खा लिया ना इसलिए वो खा लिया। हाँ मोदे उत्तम चलो ऐंद्रजाली का अभी ए हो गया अभी आई तो ए आई तो ऐंद्रजाली का इंद्रजालिकः मैजिशियन ओके जादूगर जादूगर भवतः नगरे इंद्रजालिकः अस्ति वा भवतः नगरे इंद्रजालिकः नगरे इंद्रजालिकः अस्ति वा अस्ति वा लिखा है अस्ति वा ना अस्ति महोदय भवतः इंद्रजालिकः वा ना अहम् अहम् इंद्रजालिका ना अस्ति ना अस्मि ना अस्मि आपको कल दिखाया था ना मैंने एक बार फिर से उसको देखते हैं ये अस्ति मतलब है या जब थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष के लिए बोल रहे हैं उत्तम पुरुष मतलब मैं खुद के लिए जब बोल रहा हूँ उत्तम पुरुष अस्मि अस्मि और तुम या आपके लिए सामने वाले के लिए कह रहे हैं तो असि जो हम तत्वमसि में उपयोग करते हैं अहम् ब्रह्मास्मि तत्वमसि असि वो मध्यम पुरुष के ना हाँ असि जो है मध्यम पुरुष है अस्ति प्रथम पुरुष और अस्मि उत्तम पुरुष। हाँ महोदय धन्यवाद महोदय। हाँ तो भवतः इंद्रजालिकः वा ना ना नास्मि ओके अहम् इंद्रजालिकः नास्ति नास्मि अस्मि हाँ अस्मि इदानीं भवत्याः पृच्छतु भवत्याः नगरे इंद्रजालिकः अस्ति वा मम नगरे इंद्रजालिका अस्ति वा ना मम नगरे इंद्रजालिका अस्ति कह किम नाम अस्ति केलाल जादूगर केलाल इंद्रजालिका केलाल इंद्रजाल अहो अहो के लाल इंद्रजालिकः अस्ति उत्तमम हाँ उत्तम अरुण कुमार जी पढ़ते हैं क्या पढ़ाई करते हैं हाँ क्या पढ़ते हैं विच वन डिप्लोमो अहम डिप्लोमो पठामि डिप्लोमा का क्या बोलते हैं डिप्लोमा के लिए भी कुछ होगा जैसे डिग्री होता है स्नातक तांत्रिक ज्ञानम पटामी तांत्रिकम हाँ तांत्रिकम टेक्नोलॉजी
हाँ तांत्रिक ज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं डिप्लोमा की, तो डिग्री के लिए तो जैसे हम बोल किसकी, कौन सी लाइन है? वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अच्छा कम्युनिकेशन इंजीनियर अच्छा सा, इंजीनियर संचार अच्छा अच्छा तंत्र, और संचार तंत्र विज्ञान, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, विद्युत तंत्र क्या हाँ मानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के लिए विद्युत अकेला नहीं है, नहीं, थोड़ा विद्युत अलग तो होगा। केमिकल, इसका हाँ इलेक्ट्रिक का होता है, इलेक्ट्रिकल ओके इंजीनियर तो विद्युत। हाँ, और इसको क्या डिक्शनरी कहते में हैं देखना कंप्यूटर। पड़ेगा, डिक्शनरी में। हाँ हाँ शब्द हाँ को इसमें इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो नहीं बताया है। क्योंकि वो संस्कृत इन्वेंट होने का बाद आया ना। हाँ इलेक्ट्रॉन पर तंत्र ठीक है, अभी के लिए विद्युत पटामी। एवं संचार तंत्र विज्ञान पठामी पटामी ऐसा बोल सकते हैं। पंजाब। और देखो डिग्री के लिए हम बोलते हैं उपाधि, ठीक है, उपाधि या फिर उपाधि स्नातक, पटामी। स्नातक जो होता है वो भी डिग्री होल्डर बोलते हैं, स्नातक। और उपस्नातक, स्नातक, हाँ तो उपस्नातक, उपस्नातक, अंडर हाँ ग्रेजुएट, उपस्नातक, मैं उपस्नातक हूँ, मैं स्नातक कहते अहम हैं। हाँ उपस्नातक मुक्ति। अच्छा, अस्मि अस्मि। तो आप अस्मि यदि उस अस्मि। उपस्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि हम उपस्नातक अस्मि संचार तंत्र, वो क्या हमने सोचा था, विद्युत एवं संचार संचार तंत्र। अच्छा तंत्र विज्ञान पठामि। पटामी, नहीं तो ओके, ऐसा भी कह सकते हैं ना महोदय, बोलो। स्नातक, स्नातक के संचार तंत्र पटामी। हाँ तो अब स्नातक जो है डिग्री है, तो अब यदि आप उपस्नातक बोलेंगे तो भी चलेगा, या फिर उपाधिका वो हाँ डिप्लोमा हाँ होता है, ओके, डिप्लोमा के पॉपअप। लिए एक्चुअल शब्द है, जैसे डिग्री के लिए उपाधि है वैसे डिप्लोमा के लिए उपाधिका। उपाधि का, उपाधि। तो इसको आप लिख भी सकते हैं क्योंकि आपका डिग्री का बताने के लिए काम में आएगा। उपाधि का महोदय। हाँ महोदय, अत्र औष्ठौ, औष्ठौ, सुंदरः स्तः वा, अष्टौ, सुंदरम अस्तु, सुंदरम अस्ति, अस्ति आई मीन किम वर्णः तत्, अस्ति। रक्तवर्णम अस्ति, हाँ तो अब रक्तवर्णम लाल रेड। रंग के लिए होता है, और यदि गुलाबी होता है यहाँ पे और आपको सही में ओके, गुलाबी पाटल दिख रहा होता है यहाँ पे वर्ण, तो पाटल वर्ण। पाटल वर्णम। और इसी से पता चलता है कि गुलाब का जो पुष्प है उसको पाटल कहते हैं, तो पाटल पुष्पम। पाटल वर्णम अस्ति। पिंक, गुलाबी, रोज। ओके नाइस। हाँ पाटला पुष्पम गुलाबी। ओके पाटला पुष्पम वो पाटल वर्ण कह रहे हैं तो वो गुलाबी है, और पाटल पुष्पम गुलाब, गुलाबी। डायरेक्ट उस पुष्प की बात हो रही है गुलाब की। रोज, रोज फ्लावर, कलर। नमः औषधम कुत्र अस्ति, औषधम कुत्र मीन्स कहाँ, किधर, हाँ वेयर, औषधम कहते हैं हॉस्पिटल,
वैद्यालय अस्ति उसी से बन जाएगा ना औषधम औषधालय औषधालय अस्ति औषधालय अस्ति ओके ये जो अंत में ए लगाते ना जैसे हम बोलते हैं नगरे अहम नगरे वसामि नगरे तो वैसे ही औषधालय 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 और यदि आपको शॉप में होती है या मार्केट में होता है बोलना है तो वो ये है अपने मजार कान में औषधम औषधालय अस्ति कुत्र इंजेक्शन हाँ इंजेक्शन जैसा दिख रहा है ना हाँ जी दिखता है हाँ मैं वही सोच रहा था बिना चश्मे दिखता है अच्छा है ना वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिख गया मतलब फिर तो किसी को भी समझ में आ जाएगा कि इंजेक्शन है इस सिरिंज को क्या बोलते हैं हमारे सिरिंज के लिए अभी तक मैंने इतना ध्यान से देखा नहीं है ओके ये आपने क्या है मां दुकान में आपने मींस दुकान आपने, में और बाजार में हाँ, ना आपने ओके आपने मतलब दुकान अभी हमने बोला था ना कि औषध वो जो है औषधम आपने अस्ति तो आप ये भी बोल सकते हैं कि औषधम जो है मेडिसिन दुकान में मिलती है या बाजार में मिलती है केमिस्ट लख बोल केमिस्ट आपने जो है जनरल शब्द है बाजार के लिए तो फलम आपने अस्ति कंद वस्त्रम आपने अस्ति कंदकम आपने अस्ति तो ऐसे जनरल बाजार के लिए हम आपने कह सकते हैं आपणम आम हद अम गृहम अह विसर्गः हाँ, तो अब अंत में जो ये दो दिख रहे हैं अम और अह ये सारे स्वरों में जो होते हैं ना अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ए ओ ओ औ और अम अह तो अब अम जो है इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता कोई भी पद शुरू नहीं होता पर ये अनुस्वार की तरह किसी किसी शब्द में आप उपयोग कर सकते हैं जैसे अभी तक भी हमने कई बार उपयोग किया है पहले भी फलम तृणम शाकम गृहम गृहम तो इसमें अनुस्वार के रूप में ये लगता है और वैसे ही अह जो है वो भी उससे कोई शब्द शुरू तो नहीं होता लेकिन विसर्ग के रूप में वो बहुत सारे शब्दों में आपको मिल जाएगा बालकः रामः इंद्रजालिकः एणः ज्ञातं वा महोदय ज्ञातं वा ज्ञातं वा आम महोदय ज्ञातं वा मतलब अर्थ जानामि समझे हो ना जानामि 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 अस्तु इदानीं पञ्चवादनम् अस्ति कक्षा समाप्तं करोमि करोमि सर्वेषां नमो नमः सर्वेषां नमो नमः पुनर्मिलामः सर्वेषां नमो नमः पुनर्मिलामः शुभरात्रि आम महोदय ये कुमार जी अरुण कुमार की पिक्चर दिखाओ ना मैं थोड़ा पिक्चर वीडियो नहीं चालू किया हमारा थोड़ा हाँ वीडियो नहीं चालू किया मतलब ये अंधेरे में पढ़ते हम थोड़ा और क्लैरिटी कम है ना दिखता नहीं इसमें इसलिए अच्छा अच्छा ओके ओके कोई बात नहीं तो दिखता भी नहीं इसीलिए कुछ नहीं ठीक है आप अपनी फोटो भेज के ग्रुप में भेज दीजिएगा चारुलता जी दो बार पूछ चुकी हैं
हमारे आपकी फोटो खींच के ग्रुप में भेज दीजिएगा अरुण जी, क्योंकि चारुलता जी दो बार पूछ चुकी हैं आपके दर्शन के लिए। हाँ महादेव, हाँ महादेव, चलो पुनर्मिलामः शुभरात्रि। शोर को क्या बोलते हैं? अस्तु, हाँ अस्तु महादेव, शोर। ठीक है, ये आपके लिए धन्यवाद। है जो भी प्रश्न है आप पता करके आएंगे। हाँ महादेव, पुनर्मिलामः, नमो नमः सर्वेषां, पुनर्मिलामः, पुनर्मिलामः भवतः भवत्याः च। शुभ संध्या, शुभ संध्या।